राजन शाही जहां अपने कई शोज को लेकर चर्चाओं में बने रहते हैं, तो वहीं अक्सर वो अपने शोज के स्टार्ट से अनबन को लेकर भी लाइमलाइट में आ जाते हैं। आपको याद हो तो अनुपमा में समर का रोल निभाने वाले एक्टर पारस कलनावत से भी काफी अनबन की खबरें सामने आई थी, और ये रिश्ते हैं प्यार के शो के दौरान भी ऋतिक अरोड़ा के साथ उनके अनबन की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कहा यह तक गया कि राजन शाही अपने स्टार्स के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, अनप्रोफेशनल है। पिछले कुछ वक्त से राजन शाही इस बात को लेकर भी लाइमलाइट में बने हुए हैं कि उनका उन्हें के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के लीड एक्टर हर्षद चोपड़ा से भी काफी अनबन चल रही है। लेकिन क्या वाकई ऐसा सच है? क्या वाकई राजन अपने स्टार्स के साथ बुरा व्यवहार करते हैं जिस वजह से वो उन्हें छोड़कर चले जाते हैं? ऐसे में अब राजन के ही ऑनगोइंग शो बातें कुछ अनकही सी शो में कुणाल का किरदार निभा रहे एक्टर मोहित मलिक ने इस पर रिएक्ट किया है और बताया है कि राजन और उनका प्रोडक्शन कैसा है। मोहित मलिक अपने साथी स्टार से अलग राय रखते हैं और उन्होंने डीकेपी प्रोडक्शन को सबसे ज्यादा प्रोफेशनल प्रोडक्शन बताया है। मोहित कहते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं सचमुच नहीं जानता कि ऐसी अफवाहें कहां से आती हैं। मैं दूसरों के बारे में नहीं बोल सकता, लेकिन राजन शाही और उनकी टीम के साथ मेरा एक्सपीरियंस अमेजिंग रहा है। ये स्टार्स क्रिएटिव और क्रू सदस्यों के लिए सबसे अधिक प्रोफेशनल प्रोडक्शन हाउस में से एक है। मोहित आगे कहते हैं, मैं एक ऐसा एक्टर हूं जो टॉक्सिक माहौल में काम करने के बजाय शो छोड़ना पसंद करता। मैं अपने आसपास नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैंने उनके शो के पीछे राजन शाही की कड़ी मेहनत देखी है। वो व्यक्तिगत रूप से अपने शो के हर किरदार को जीते हैं। डीकेपी सबसे ज्यादा एक्टिव प्रोडक्शन हाउस है जिसका एकमात्र ही मोटिव है अच्छा कंटेंट पेश करना और हेल्दी एनवायरनमेंट देना। खैर, मोहित ने तो साफ साफ कहा है कि राजन और उनका प्रोडक्शन बेस्ट है और अपने स्टार्स को समझते हैं। बता दें कि राजन शाही कई बार अपने शो के स्टार्स के शो छोड़ने को लेकर सवालों के घेरे में आ चुके हैं। अनुपमा में जब पारस कलनावत की एग्जिट हुई थी तब पारस ने इस शो को लेकर काफी कुछ कहा था। उन्होंने ये कहा था कि शो का माहौल काफी टॉक्सिक है। तो वहीं कोरोना काल में ऋतिक अरोड़ा ने अपने शो ये रिश्ते हैं प्यार के शो को छोड़ दिया था, जिस वजह से राजन और उनके बीच में काफी खटपट की खबरें सामने आई थी। खैर, अब देखना तो यह है कि खुद राजन शाही इन तमाम खबरों पर कैसे रिएक्ट करेंगे।